ऑल राइट सो we'll बी स्टार्टिंग with CS2 risk modeling रिस्क मॉडलिंग एंड सर्वाइवल सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस चैप्टर में इस पेपर में हम लोग क्या पढ़ेंगे जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ द इंटायर सिलेबस ऑफ द इंटायर पेपर नाउ सी एस टू इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पेपर ऑफ़ द इंटायर सी टी सीरीज जो आप लोग बोलते हो सी एम एंड सी एस पेपर्स एंड इन फैक्ट अगर हम देखें तो इट इज़ वन ऑफ द पेपर्स जो जनरली डिफ़िकल्ट माना जाता है एंड ये एक ऐसा पेपर है जो एंड तक बच जाता है काफ़ी लोगों का क्लियर नहीं हो पाता दोज स्टार्टेड वर्किंग तो जॉब के साथ थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है क्लियर करना सो इट इज़ गुड दैट यू क्लियर इट अलॉन्ग विथ योर ग्रेजुएशन ठीक है तो दिस इज़ वन दैट टाइप ऑफ अ पेपर सो फर्स्टली वील अंडरस्टैंड कि इसका क्या स्ट्रक्चर है मूविंग फॉरवर्ड कमिंग टू थ्री मंथ्स जितने भी हैं हम कैसे सिलेबस ख़त्म करेंगे एंड आफ्टर दैट वन और टू मंथ्स जो हमारे पास हैं हाउ विल रिवाइज द इंटायर कंटेंट बिकॉज सी एस टू का सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है वो ये है कि ऑल ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर्स आर अनरिलेटेड टू ईच अदर रिलेशन एज सच नहीं है जो आप लोग अगर आपने सी एम बन किया है फॉर एग्जाम्पल तो वहाँ पर एक फ्लो दिखता है ना वैसे यहाँ पर नहीं है यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स हैं ठीक है तो कोई आपस में उतना ज़्यादा अगर हम बोले कि रिलेशन नहीं है सो देर आर लॉट्स ऑफ इंडिपेंडेंट टॉपिक्स एंड ईच चैप्टर ऑल्सो हैज़ लॉट्स ऑफ इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट टॉपिक्स इट सेल्फ तो इसमें एज सच अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक वाइज अगर हम देखें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं एंड कॉन्सेपचुअली भी अगर हम देखें तो काफी सारे कॉन्सेप्ट है जो हमें कवर करना होता है इन द सी एस टू सिलेबस क्लियर फ्रॉम डे वन आपको क्या करना है यू हैव टू मेंटेन प्रॉपरली सी सी एस टू ए का आपको प्रॉपरली कॉपी क्लास कॉपी मेंटेन करना है क्लास कॉपी विल बी डिफरेंट फ्रॉम आपका घर पे आप लोग जो होमवर्क कर रहे हो या सम्स कर रहे हो क्योंकि इसके नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है सी एस टू में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग नोट्स बहुत अच्छे से बनाओ क्योंकि वो नोट्स आपको काफ़ी बारी रेफर करना पड़ेगा ठीक है एंड फाइनली ऑल्सो इन योर रिविजन टाइम आपको ये नोट्स काफ़ी ज़्यादा हैंडी आएगा ऑल राइट सो सबसे पहले तो अर्ली और अगर हम लोग देखें जो सी एस टू है अर्ली और इट वॉज सी टी फोर प्लस सी टी सिक्स इन दोनों का कंटेंट इज योर सी एस टू प्लस देर आर फ्यू न्यू चैप्टर्स और यू कैन से न्यू एडिशंस विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन सी एस टू ये इन्होंने क्यों इंट्रोड्यूस किया आई एफ ओ ए ने ये देखा कि यू नो देर आर डिफरेंट ट्रेंडस चेंजेस इन दिनारी उसको ले कर अकाउंट में लेके दे इंट्रोड्यूज दीज न्यू चैप्टर्स विच आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग राइट प्लस ऑब्वियसली इन सब के साथ देर इज समथिंग कॉल्ड एज आर प्रोग्रामिंग विच वील हैव टू डू ना दो सो द प्री रिक्विजिट ऑफ अप्योरिंग फॉर सी एस टू इज दैट आपका या तो सी एस वन क्लियर होना चाहिए या आपको सी एस वन पता होना चाहिए एटलीस्ट नॉलेज वाइज राइट बिकॉज सी एस वन का पूरा एप्लीकेशन इज 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 इन योर सी एस टू सी एस वन इज द बेस फॉर सी एस टू ऑल राइट सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका सी एस वन क्लियर या फिर सी एस वन का नॉलेज आपको होना चाहिए फॉर सी एस टू नाउ आर प्रोग्रामिंग का अगर हम बात करें इन सी एस टू फ्रॉम डे वन आई विल से दिस इट इज डिफिकल्ट सी एस टू का आर प्रोग्रामिंग इज नॉट जस्ट uh, केक वॉक इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड इट इज लेंदी तो आपको डे वन से आप लोग जैसे जैसे सी एस टू का एक एक चैप्टर खत्म करोगे पेपर ए में वैसे वैसे पेपर बी में आपको करना है एंड सिंस आई एम टीचिंग बोथ पेपर एंड पेपर बी सो आई विल अकॉर्डिंगली गाइड यू कि अभी पेपर ए खत्म हुआ है अभी आपको ये करना है पेपर बी में अकॉर्डिंगली आई विल गाइड यू बट पेपर बी सी एस टू में आप लाइटली नहीं ले सकते हो राइट इफ़ यू कंसिडर ऑल द पेपर बी का सिलेबस सी एस टू का पेपर बी का सिलेबस इज द लेंथीएस्ट राइट इज द इट्स लेंथीएस्ट बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लोग डर जाओ दैट इट इज़ डिफिकल्ट और समथिंग ऐसा बिल्कुल नहीं है सी एस टू का पेपर बी अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो एट सम पॉइंट इट कैन बी ईजी बिकॉज आर आर प्रोग्रामिंग है एंड आर प्रोग्रामिंग इज नॉट डिफिकल्ट

एंड फॉर दो फ्रॉम आई आई आप लोग अगर डिसंबर में अटैम्प करो ठीक है जुलाई में करो आप लोग अलग केस है जुलाई वाले बच्चे ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके होंगे पढ़ना तो आप लोग एवरी डे यू हैव टू स्टडी फॉर मिनिमम ऑफ थ्री टू फोर आवर्स अगर कभी आपका नहीं हो पाता वीकेंड में आपको उसको कवरअप करना है क्योंकि अगर सी एस टू लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ोगे जस्ट लाइक मे बी सीएम वन और सी एस वन आप लोग का कवर नहीं हो पाएगा बिकॉज सी एस टू इज लेंदी एंड सी एस टू में हर टॉपिक इंडिपेंडेंट है राइट बट एट द एंड ऑफ द डे सी एस टू इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पेपर वाई हर टॉपिक में मजा आएगा पढ़ के ठीक है पेपर बी में बहुत मजा आएगा बिकॉज आप लोग को लगेगा आप लोग प्रैक्टिकली कुछ अप्लाई कर रहे हो बहुत ज़्यादा मजा आएगा एंड सी एस टू ट्रस्ट मी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पेपर ऑफ इंटायर एक्चुअल जर्नी क्लियर all right so with this let us वॉट ऑल यू all विल स्टडी इन दिस सो देर आर इन टोटल हमारे सी एस टू में in total ट्वेंटी chapters hai hamare हमारे ठीक है अब इन ट्वेंटी वन चैप्टर्स को ना मैंने कैसे डिवाइड किया वो मैं बताती हूँ मैंने इन ट्वेंटी वन चैप्टर्स को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है बेसिकली अगर मैं बोलूँ फोर पार्ट्स आप लोग को अगर ये कॉपी करना आप लोग कर सकते हो So I have divided the entire 21 chapters into four parts. The very first part is your CT1 portion, which we say chapter one to chapter um, 12, or maybe chapter 11, because 12th chapter is a new chapter. So one to 11 is your is your CT4 part. Now again, this can be divided into two. सब पार्ट्स दिस कैन बी डिवाइडेड इंटू टू सब पार्ट्स जहाँ पे हमारा फर्स्ट फाइव चैप्टर्स एंड नेक्स्ट सिक्स नेक्स्ट सिक्स चैप्टर्स सो यहाँ पे ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट फाइव चैप्टर्स है दिस इज स्टोकास्टिक क्या होता है क्या है वो सब मैं अभी बताऊंगी आप लोग को ब्रीफ आइडिया एंड दिस इज योर सर्वाइवल ठीक है स्टोकास्टिक एंड सर्वाइवल All right. Now, uh, what is stochastic? What is survival? So basically, our CS two paper's kya is risk modeling and survival analysis. So modeling is actually a inherent part of the entire CS two paper, right? So here, when I am saying stochastic, when I am saying survival, these are models. Stochastic models. सर्वाइवल मॉडल्स क्लियर तो स्टोकास्टिक में भी हम लोग दो अलग अलग टाइप के मॉडल्स पढ़ेंगे मार्कोव चेन मार्कोव जंप। किसी भी सीनियर से पूछो कि सी एस टू कैसा था आपका वो खाली एक ही चीज़ हमेशा बोलेंगे यार मार्कोव चेन मार्कोव मॉडल्स डिफिकल्ट होते थे वो गलत है दैट इज़ अ रोंग कॉन्सेप्ट दैट द गिव यू समर्स बाय बिकॉज ये माइंड में बिठा दिया जाता है फ्रॉम डेवन दैट टोकास्टिक इज डिफिकल्ट दैट मार्क ऑफ चेंज मार्क ऑफ जंप इज़ डिफिकल्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोर्शन ऑफ द इंटायर सिलेबस एंड ये वॉट इज स्टोकास्टिक बेसिकली जस्ट टू गिव यू एन आइडिया हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे देन विल ऑब्वियसली डू इट स्टोकास्टिक इज समथिंग विच इज नॉट डिटर्मिनिस्टिक मतलब आपको नहीं पता कि आउटकम क्या होगा फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेंग माई आउटकम कैन बी पास एंड फेल तो मेरे को पता है ना मेरा आउटकम डिफाइंड है आई कैन पास और आई कैन फेल राइट सो दिस इज डिटर्मिनिस्टिक आपको पता है कि आउटकम क्या होगा स्टोकास्टिक में यू डोंट नो वॉट विल बी ओअर आउटकम कैन यू कैन यू नो डिसाइड कैन यू नो वॉट विल बी द शेयर प्राइज नेक्स्ट डे नो देर इज अ रेंज ऑफ इट फॉर श्योर बट एक्चुअल आप नहीं बोल सकते हो कि क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं सो इट्स स्टोकास्टिक जो आप लोग सी एम टू में पढ़ते हो स्टोकास्टिक का ये पूरा एप्लीकेशन आप लोग सी एम टू में पढ़ते हो ब्राउन एंड मोशन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे हम लोग पूरे सी एस टू में खाली एक चीज पे डील कर रहे हैं मोटेलिटी लोगों का मोटेलिटी प्रिडिक्ट करना लोगों का मोटेलिटी कास्ट करना ऑल दीज थिंग्स विल बी डीलिंग इन योर इंटायर सी एस टू सिलेबस तो स्टोकास्टिक में हम लोग जो ये मार्कोव जम्प मार्कोव चेन ये जो हम लोग मॉडल्स बनाते हैं ना जहाँ पे कहीं पे टाइम इज़ होमोजिनस कहीं पे टाइम इज डिस्क्रीट कहीं पे टाइम इज कंटिन्यूस टाइम इज डिस्क्रीट मतलब एक टाइम स्टेप लेते हैं डे वन डे टू डे थ्री टाइम कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूसली टाइम जा रहे हैं तो so, अलग अलग मॉडल्स के अलग अलग अजम्पन्स होते हैं ना हो वी कॉल वेन वी सेजम्पन्स वेन आई से वर्ड एजम्पन्स हम लोग काफ़ी अजम्पन्स यूज करेंगे

सो डिफरेंट एजम्पन्स विल अपलाई डिफरेंट मॉडल नॉ फॉर दोज हु हैवेंट अप्योर्ड फॉर सी एम टू फॉर दोज हुर अप्योरिंग फॉर सी एस टू आफ्टर सी एम वन सी एस वन और मे बी सी बी पेपर्स तो इस पेपर में ना काफ़ी मॉडल्स आते हैं काफ़ी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे यू विल नॉट गेट डिरेक्ट क्वेश्चन राइट यहाँ पे काफ़ी ज्यादा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जहाँ पे ट्रस्ट मी वेनाई से दस आपको सोचना बहुत बढ़ेगा अपना खुद का दिमाग आपको काफी ज्यादा यूटिलाइज करना पड़ेगा वाई बिकॉज पेपर बी में मोर देन अराउंड ट्वेंटी परसेंट ऑफ द पेपर विल बी ओनली कमेंट्स एंड इन फैक्ट इन पेपर ए ऑल्सो अराउंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मार्क्स विल बी ओनली कमेंट्स वेन ऐसे कमेंट्स कमेंट्स इज खुद से आपको बना के लिखना है खुद से वो मॉडल दिया है मॉडल के क्या लिमिटेशन है अब मॉडल तो कुछ भी हो सकता है एक एयरपोर्ट का पूरा टैक्सी सिस्टम वो एक मॉडल है आपका ठीक है कि लोग आ रहे हैं टैक्सीज के लिए वेट कर रहे हैं ये पूरा एक आपका मॉडल बन गया ठीक है इसको हम लोग मार्कोव करके पूरे चीज़ को बना सकते हैं तो अब आप इस एक आइलैंड है दीज आर ऑल वट आई एम टेकिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम पास्ट क्वेश्चन एक आइलैंड है जहाँ पे कुछ सोल्जर्स uh, जा रहे हैं कुछ प्रिडिक्ट करने एनालाइज करने वहाँ के सिचुएशन uh, को सिनेरियो को तो ये डिफरेंट केस स्टडीज जो हैं इनको इन पे आप क्या कमेंट कर सकते हो वॉट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर केस स्टडी व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ यूजिंग दिस पर्टिकुलर मॉडल फॉर दिस पर्टिकुलर केस स्टडी तो ये आपको फ्रॉम डे वन यू हैव टू यूटिलाइज योर ब्रेन अलॉट ऐसा नहीं होगा कि आपको सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा और वही आएगा नहीं बट कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा कैसे इस कमेंट को आंसर करते हैं वॉट शुड बी द की वर्ड्स दैट यू शुड बी यूजिंग सो वैन आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन ठीक है इसमें क्वेश्चन सॉल्विंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द वे अ क्वेश्चन इज सॉल्व द वे अ मॉडल इज़ कंस्ट्रक्टेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो जब मैं वो करवा रही हूँ आप लोग को ये चीज़ देखना है कि आप लोग कंपाइलर जो आप लोग को मिले कंपाइलर में आप लोग को नोट्स बनाने हैं कि जो जो कीवर्ड्स हैं हर कंपाइलर दिस इज दिस वन दिस इज़ वन थिंग विच आई सजेस्ट एवरी वन टू फॉलो एंड इवन आई यूज टू डू दिस कंपाइलर के जैसे देर आर मे बी नाइन डिफरेंट बुकलेट्स नाइन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ योर कंपाइलर तो हर सेक्शन के ऊपर में एक ब्लैंक स्पेस होता है ना वहाँ पे सारे कमेंटिंग के कीवर्ड्स लिख लो तो क्या होगा ना कि वो जब एक जगह पे सारा लिखा हुआ रहेगा एग्जाम के पहले आप खाली वो पॉइंट्स गोथ्रू कर लोगे तो कमेंट्स लिखने में काफ़ी ईजी हो जाएगा अदरवाइज इतने कमेंट्स दिमाग में नहीं आएंगे कमेंट्स लाइक like, अच्छा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में टाइम तो कंटिन्यूस uh, होना चाहिए था हाउ कैन वी मॉडल इट इन अ डिस्क्रीट वे या फिर हम लोग बोल रहे हैं कि देर आर पीपल एंटरिंग अ पर्टिकुलर शॉप देर आर टेन पीपल पर डे एंटरिंग अ शॉप एवरी डे नाओ ये तो डिपेंड करेगा ना कभी हो सकता है पीक टाइम है कभी हो सकता है पीक सीजन है लाइक क्रिसमस और लाइक दिवाली तो ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं ना ये आपको दिमाग में नहीं आएंगे एग्जाम में अगर आपने इसको नहीं पढ़ा होगा पहले से सो नाउ फ्रॉम डे वन ओनली वेन एवर यू विल स्टडी एनी क्वेश्चन वो जो लास्ट में सिक्स मार्क्स फोर मार्क्स का कमेंट हो है ना कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट उसको स्किप मत करना उसको अच्छे से पढ़ना एंड की आपको खुद दिखने लग जाएंगे जब आप लोग टेन फिफ्टीन क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे उसको अंडरलाइन करना एंड इवन आई विल गाइड यू उसको आपको स्टार्टिंग में कंपाइलर में लिख लेना है खाली एक एक पॉइंट सो दैट इट बिकम्स ईजी वैन यू आंसर दिस ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मार्क्स ऑफ कमेंट एंड आई ऑलवेज हयर दिस फ्रॉम सी एम टू सी एस टू स्टूडेंट्स कमेंट में प्रॉब्लम हुआ था कमेंट में प्रॉब्लम तो so वो प्रॉब्लम आप इसको ऐसे ओवरकम कर सकते हो क्लियर सो दैट इज टोकास्टिक समथिंग विच यू माइट हैव हर्ड इज डिफिकल्ट ऑनेस्टली इट इज नॉट थोड़ा डिफिकल्ट तो रहेगा ही ना नहीं तो क्यों पढ़ोगे आप लोग इतने डिफिकल्ट आप लोग क्यों कर रहे right? हो एक्चुअली आप लोग क्यों पढ़ रहे हो सी एस टू राइट थोड़ा होगा बट वी विल मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ईजी जितना हो पाए कॉन्सेप्ट विल बी वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर एंड बहुत मजा आएगा पढ़ के राइट दिस इज योर स्टोकास्टिक मॉडल देन वी हैव सर्वाइवल जहाँ पे हम लोग कुछ भी आ, वैसा रैंडम नहीं लेते हैं स्टोकास्टिक एंड जनरली पीपल विल से दैट सर्वाइवल इज ईजी डांस टू विच इज़ एक्चुअली क्योंकि सर्वाइवल में कुछ प्री डिफाइंड मॉडल्स होते हैं उनका एक टेक्निक होता है एक मेथड होता है फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अगर वर्ड्स यूज़ करूँ लाइक कैप्लन मेयर नेल्सन एलन तो आप लोग को थोड़ा अजीब लगेगा फर्स्ट डे आप लोग डर जाओगे टॉपिक से तो दीज आर डिफरेंट मॉडल्स जो ऑलरेडी बने हुए हैं आपको वैल्यूज़ दिए हुए रहेंगे केस स्टडी में अब केस स्टडी को समझना आपको है अच्छे से पढ़ पढ़ के ठीक है और उसमें आपको वैल्यूज़ बिठाने आंसर लाना है ठीक है हम लोग ये सर्वाइवल एनालिसिस जनरली क्यों करते हैं टू कंस्ट्रक्ट अ लाइफ टेबल लाइफ टेबल कंस्ट्रक्शन में व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट दैट यू शुड नो एनीवन इन द चैट बॉक्स करेक्ट एनीवन इन द चैट बॉक्स लाइफ टेबल कंस्ट्रक्शन में मोटेलिटी रेट मोटेलिटी रेट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी लाइफ टेबल राइट तो वो फोकस्ड या फिर वो प्रेडिक्ट करना

क्लियर आपको केस स्टडी समझना है वैल्यूज पुट इन करना है आंसर निकालना है डेट्स इट यहाँ पे आप लोग और क्या पढ़ोगे ग्रेजुएशन मेथड्स व्हाट इज ग्रेजुएशन ये जो हम मॉडल बना रहे हैं इससे हम म्यू प्रिडिक्ट कर रहे हैं करेक्ट अभी म्यू जो हम प्रिडिक्ट करें ये स्मूथ होना चाहिए ऐसा नहीं कि हमने प्रिडिक्ट किया कि एट दी एज ऑफ ट्वेंटी आपका म्यू आ रहा है जीरो और एट दी एज ऑफ ट्वेंटी आपका म्यू हो गया जीरो इतना जंप नहीं होना चाहिए तो उसको क्लियर करना डेटा को स्मूथ बनाना और ऐसा भी नहीं स्मूथ बना देना कि वो जो ओरिजिनल डेटा है उसको फॉलो ही नहीं करे तो ये सारा जो इतना इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ग्रेजुएशन में करते हैं और ये सेम हम लोग कहाँ अप्लाई करते हैं आर प्रोग्रामिंग में तो सबसे बड़ा यू कैन से एडवांटेज विच यू ऑल हैव ओवर द पीपल हु गेव सी टी फोर एंड सी टी सिक्स इज दैट यू ऑल हैव आर प्रोग्रामिंग इट इज़ नॉट अ डिसएडवांटेज बिकॉज अगर आप लोग ये सब अप्लाई कर पा रहे हो आर में तो आप लोग को समझ में बेटर आएगा एनी वन हुटीज सी टी फोर और सी टी सिक्स गो एंड आस्क दैट पर्सन अबाउट ग्रेजुएशन गो एंड आस्क दैट पर्सन अबाउट वो बोलेगा डिफिकल्ट आप लोग नहीं बोलोगे क्योंकि आप लोग उसको विजुअलाइज कर पाओगे यूजिंग आर प्रोग्रामिंग विच इज अ वेरी बिग एडवांटेज विच आई एफ ओ एंड आई ए हैज गिविन क्लियर तो दैट इज योर सर्वाइवल एनालिसिस राइट देन द सेकेंड पार्ट ऑफ the इंटायर इज योर सी टी सिक्स पोर्शन सी टी सिक्स पोर्शन अलग अलग चैप्टर से हैं सो so अगर मैं ऐसे बोलूँ चैप्टर थर्टीन चैप्टर फोर्टीन इज योर सी टी सिक्स के अंदर आता है चैप्टर फिफ्टीन चैप्टर एटीन चैप्टर नाइनटीन एंड ट्वेंटी सो दीज आर सी टी सिक्स पोर्शन जो एज इट इज सी टी सिक्स में जो था वहां से उठा के यहाँ पे डाल दिया मे बी एक दो टॉपिक कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा घुसा दिया अदर देन दैट एवरी थिंग इज सेम तो अगर आप लोग पास्ट पेपर्स देखो 2019 के पहले के पेपर्स अगर आपको करने हैं तो आप लोग ये सी टी फोर एंड सी टी फोर तो पूरा आप लोग कर सकते हो जस्ट वन और टू टॉपिक्स इज नॉट देयर वेरी स्मॉल आई विल गाइड यू सी टी फोर आप लोग पूरा कर सकते हो सी टी सिक्स पूरा नहीं करोगे क्योंकि सी टी सिक्स में वेन आई टॉक अबाउट सी टी सिक्स पहले वाला सी टी सिक्स तो उसमें वर नाइन यूनिट्स इन टोटल ठीक है नाइन पार्ट्स इन टोटल सी टी सिक्स में जिसमें से सी एस टू में इन्होंने खाली थ्री यूनिट्स डाले बाकी जो सिक्स यूनिट्स हैं वो कुछ चले गए आपके सी एम टू में और कुछ चला गया आपका सी एस वन में तो जब आप लोग सी टी सिक्स का पास्ट पेपर्स खाली अगर आप लोग सॉल्व करने में बैठोगे तो आप लोग को उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन ही सिमिलर मिलेंगे बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है

फ्रॉम सी टी फोर एंड सी टी सिक्स तो ऐसा बिल्कुल टेंशन नहीं है कि हमें पास्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं मिलेंगे सो दिस इज योर सेकेंड पार्ट ऑफ द इंटायर योर ट्वेंटी वन चैप्टर्स अब यहाँ पे देख लो एक बार ओवरव्यू क्या क्या है चैप्टर थर्टीन फोर्टीन इज योर टाइम सीरीज मैं टी एस लिख रही हूँ दिस इज़ वन पार्ट ऑफ़ योर इंटायर सिलेबस विच इज़ वेरी ह्यूज जहाँ पे बोरिंग थ्री थ्री आवर्स के क्लासेज आपको मेरे करने पड़ेंगे कंटिन्यूस पेपर में पूरा लिखना है लिखना है और मेरे को बोलना है आपको लिखना है मेरे को बोलना है आपको लिखना है काफ़ी सारे मॉडल्स हैं नाव टाइम सीरीज आपने सुना होगा इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक एज अ होल सी एस टू में उसका एक पार्ट लिया हुआ है बिकॉज हम पूरा टाइम सीरीज़ नहीं पढ़ सकते तो एक पार्ट लिया हुआ है हाउ जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ वॉट टाइम सीरीज इज आप लोगों ने लीनर मॉडल्स किया है सी एस वन में लीनियर मॉडल्स में आप लोगों ने क्या किया है डिफरेंट वेरिएबल्स लिए फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू प्रिडिक्ट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ़ जेंडर ऑफ द कस्टमर ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ द कस्टमर तो बहुत अलग अलग वेरिएबल्स हैं एंड आप प्रिडिक्ट करो मल्टीपल रिग्रेशन जिसको हम लोग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन जिसको बोलते हैं जो आप लोगों ने आर में किया था पेपर ए में उतना आप लोगों ने उसको नहीं किया था यहाँ क्या है ना यहाँ भी आप फोकास्ट करते हो सपोज आपको सेल्स फोकास्ट करना है बट आप कोई और वेरिएबल नहीं लेते हो आप खाली सेल्स ही लेते हो एंड उसको ही आप फोकस करते हो सो आई एम टेकिंग लास्ट टेन ईयर्स का सेल्स का डेटा एंड आई एम फोकास्टिंग नेक्स्ट नेक्स्ट टू ईयर्स का सेल्स का डेटा यूजिंग पास्ट टेन ईयर्स का तो उसमें अब मैं देखूँगी पास्ट टेन ईयर्स का जो मेरा सेल्स का डेटा है उसमें क्या ट्रेंड था कब एक पीक आता है कब वो लो जाता है कब वो पीक आता है कब वो लो जाता है कौन से मंथ्स में सीजनेलिटी है जनवरी फेबररी में, में वह सबसे ज़्यादा हाई पीक ऑफ सेल्स होता है हर ईयर आई एम सीइंग दिस ट्रेंड ट्रेंड इज आपका एक ओवर द ईयर्स मेरा इंक्रीज हुआ है डिक्रीज ऑल दीज थिंग्स वील स्टडी इन टाइम सीरीज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक पॉइंट पे बोरिंग कब लगेगा क्योंकि आप लोग को काफी इसमें नोट्स बनाने हैं जो कि आपको बनाना पड़ेगा प्लीज डोंट डू कि एक जन बना रहे नोट्स आप उसको कॉपी करो खुद का नोट्स प्लीज़ मेंटेन करो चाहे आपका कितना भी गंदा हैंड राइटिंग हो ट्राई टू मेंटेन योर ओन नोट्स बाय बिकॉज अदरवाइज इट विल नॉट हेल्प यू एनी वे इन एग्जाम अगर आप लोग खुद का नोट्स नहीं बनाओगे तो ठीक है तो टाइम सीरीज एक पॉइंट एंड आर प्रोग्रामिंग में भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं टाइम सीरीज़ के तो टाइम सीरीज इज़ वन थिंग विच टेक्स मोस्ट टाइम टू कंप्लीट ठीक है तो ये चैप्टर थर्टीन एंड फोर्टीन है टाइम सीरीज़ वन एंड टाइम सीरीज़ टू नेक्स्ट इज़ योर चैप्टर 15 चैप्टर 15 इज़ योर वेरी सिंपल जो हम लोग जिससे स्टार्ट करेंगे इनफैक्ट अपना सी एस टू इज़ योर लॉस डिस्ट्रीब्यूशन लॉस डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग प्लीज़ फुल फॉर्म लिखना मैं एल डी लिख रहा हूँ आप लोग एल डी और टी एस में लिख देना लॉस डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आप लोगों ने सी एस ओ में क्या पढ़ा है नॉमल पॉइजॉन बाई यहाँ हम लोग हाई लेवल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अच्छा वॉट इज़ अ लॉस फॉर अ कंपनी अ इंश्योरेंस कंपनी का लॉस क्या है क्लेम अमाउंट क्लेम अमाउंट लॉस है ना मुझे वो पे करना है तो वो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन से पढ़ेंगे जैसे कि हम लोग लॉग नॉर्मल मॉडल पढ़ेंगे हम लोग परेटो पढ़ेंगे ठीक है गॉम्पर्ज ये सब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स पढ़ेंगे लॉस डिस्ट्रीब्यूशन में लॉस डिट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेज वॉट इज लॉसिस क्लेम अमाउंट इज आर लॉस क्लियर देन इज़ चैप्टर एटीन वेरी ईजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग री इंश्योरेंस री इंश्योरेंस क्या होता है हम लोग पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे एक इंश्योरेंस कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है विद अ री इंश्योर जैसे एक पॉलिसी होल्डर और एक इंश्योरर का रिलेशन होता है वैसे ही एक री इंश्योर एंड एक इंश्योर का रिलेशन होता है सिमिलर काइंड ऑफ अ रिलेशन वो हम लोग पूरा री इंश्योरेंस में पढ़ेंगे देर आर टू थ्री डिफरेंट वेज ऑफ री इंश्योरेंस दैट वील स्टडी इन री इंश्योरेंस वेरी सिंपल अगेन इसमें हम लोग लॉस डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर का पूरा एप्लीकेशन लेंगे ठीक है देन वी हैव चैप्टर एंड ट्वेंटी लिख लेना रिस्क मॉडल मॉडल रिस्क मॉडल अगेन वट इज द रिस्क ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी क्लेम क्लेम ठीक है तो हम लोग यहाँ पे देर इज समिंग कॉल्ड एज एस जो हम लोग पूरा कैलकुलेट करते हैं एग्रीगेट क्लेम अमाउंट एक इंश्योरेंस कंपनी को कितना टोटल में क्लेम अमाउंट पे करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ क्लेम्स एंड साइज ऑफ द क्लेम्स ठीक है अब नंबर ऑफ क्लेम्स का अलग डिस्ट्रीब्यूशन है साइज ऑफ द क्लेम अमाउंट का अलग डिस्ट्रीब्यूशन है उन दोनों को मिला के हम एग्रीगेट क्लेम अमाउंट निकालते हैं प्योर प्योर दैट इज वॉट वी डू इन रिस्क मॉडल्स नाउ दिस सी टी फोर एंड सी टी सिक्स इज वॉट

मैंने ऐसे प्रोजेक्ट करना दो तीन साल का नहीं टेन ईयर्स ट्वेंटी ईयर्स का तो मेरे मेरे जो हिस्टोरिकल डेटा है मोटैलिटी के उसको यूज़ करके मैं कमिंग ट्वेंटी ईयर्स कमिंग टेन ईयर्स कमिंग थर्टी ईयर्स में क्या मोटैलिटी होगा वो मुझे प्रिडिक्ट करना है कीपिंग इन माइंड एनी एडवांसमेंट्स विच इज़ हैपनिंग टेक्नोलॉजिकल हेल्थ केयर एडवांसमेंट्स विच इज़ हैपनिंग क्लियर तो इसमें हम लोग डिफरेंट मॉडल्स है ली आटो मॉडल्स ऑल दीज डिफरेंट जो हम लोग अगेन पूरा मॉडल ही है हर चीज में हर जगह पे आप लोग मॉडल मॉडल बहुत सुनोगे तो डिफरेंट मॉडल्स उसको यूज करके हम मॉडलिटी प्रोजेक्ट करते हैं वेरी सिंपल ऐसा कुछ भी बहुत सुन के ऐसा लग रहा होगा ना कि क्या है क्या है बहुत सिंपल ऐसा कोई बात नहीं है इस चैप्टर को हम दो से तीन दिन में भी खत्म कर सकते पेपर ए ठीक है तो ऐसा कुछ भी नहीं है यस पेपर बी का एप्लीकेशन इसका काफी अच्छा एंड इंटरेस्टिंग है राइट सो दैट इज़ वॉट यू डू इन मोटालिटी प्रोजेक्शन यू प्रोजेक्ट मोटालिटी कमिंग ट्वेंटीज नाउ वाई डिड द इंट्रोड्यूस दिस चैप्टर इन द सी एस टू इज बिकॉज अभी क्या इंपॉर्टेंट है कोई भी एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है मोटालिटी प्रिडिक्ट करना प्रोजेक्ट करना ठीक है तो वो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग को अभी से पढ़ाया जाए क्लियर देन चैप्टर सिक्सटीन इज योर ई वी टी एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी वेरी इंटरेस्टिंग तभी बहुत ईजी है और बहुत छोटा भी है ठीक है तो यहाँ पे एक्स्ट्रीम वैल्यू थ्योरी क्या होता है फॉर एग्जाम्पल एक इंश्योरेंस कंपनी है हाउस होम इंश्योरेंस बेच रहा है ठीक है अब उसने कुछ होम्स ऐसे इंश्योर किए जो कोस्ट लाइन पे है और सुनामी आ गया तो वो सारे डूब जाएंगे तो उनको एक ही क्लेम अमाउंट पे करना पड़ेगा बट वो सुनामी का अक्रिंस क्या है मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है वेरी लो सो दीज़ आर द इवेंट्स दीज आर द इवेंट्स जिनका प्रोबेबिलिटी और फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी लो बट सिवियरिटी इज़ वेरी हाई सिवियरिटी मतलब क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ द क्लेम अमाउंट इज़ वेरी हाई तो ये ऐसे क्लेम्स होते हैं जो एक इंश्योरेंस कंपनी को सोल्वेंट जो इंसॉल्वेंट बना सकते राइट right? अगर ऐसे बहुत बड़े बड़े क्लेम आ गए बहुत ह्यूज साइज के साइज के क्लेम आ गए और इंश्योरेंस कंपनी ने रिजर्व बनाया ही नहीं था उतना तो वो इंसॉलेंट हो जाएगा उनको पे करते करते इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉडल दीज एक्सट्रीम वैल्यूज ठीक है जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि ये आप लोग बनाना मत ये ये आपका क्या है पॉजिटिवली पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका क्या मतलब है इस टेल का क्या मतलब है बता सकते हैं स्टेल का क्या मतलब है ठीक है दैट इज़ वन थिंग स्टेल का क्या मतलब है इट विल नेवर टच एक्स एक्सेस दैट इज वन थिंग अदर थिंग्स वेरी वेरी गुड पॉइंट डेटा बहुत कम है आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस पॉइंट डेटा बहुत कम है लार्ज स्टैंडर्ड डिविएशन सम्यक ठीक है बोल सकते हैं कि लार्ज स्टैंडर्ड डिशन तभी टेल बहुत लंबा है पॉइंट लार्ज स्टैंडर्ड वेरी गुड क्या है किस साइड राइट साइड लेफ्ट साइड होने का मतलब इधर होने का ठीक है वो तो एक पॉइंट है ही वेरी गुड आर्या एन पेडीना ने बहुत अच्छा आंसर किया है स्मॉलर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लार्जर साइज क्लेम यहाँ पे क्या होता है आप मेजर करते हो यहाँ पे आप एक्स मतलब क्लेम अमाउंट मेजर कर रहे हो तो इसका क्या मतलब है दीज आर द वैल्यूज विथ वेरी हाई एक्स वैल्यूज वेरी हाई क्लेम अमाउंट पर जिनका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है लो फ्रीक्वेंसी हाई सिवियरिटी इसको अलग से मॉडल करना तो इस पोशन को हम अलग से मॉडल करते हैं यूजिंग स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशंस हम जो नॉर्मल लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन परेटो ये सब पढ़ेंगे उससे हम इसको नहीं मॉडल कर सकते इनके लिए स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशंस हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग को ई में बेसिकली दो तीन अलग अलग थ्रेश एंड ऑल दीज डिस्ट्रीब्यूशन ईवीटी में पढ़ेंगे इसका अलग से जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्लियर वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट नीडेड टॉपिक्स ऑफ सी एस क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यूज एंड अभी आफ्टर कोविड और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए टू अंडरस्टैंड दीज एक्सट्रीम वैल्यूज एंड द चेंजेस विच आर कमिंग वॉर रशिया यूक्रेन का वॉर सोचो इंश्योरेंस कंपनीज पे क्या इफेक्ट हुआ होगा क्या अफेक्ट हुआ होगा अगर उनके एक्सक्लूजन नहीं होंगे पॉलिसी में कि हम आपको नहीं पे करेंगे इफ इट्स अ वॉर अगर वो एक्सक्लूजन नहीं होगा तो कितना ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ेगा तो बैंक हो जाएगा तो वो प्रिडिक्ट करने के लिए वो मॉडल करने के लिए वी हैव क्लियोर क्लियर, ऑल राइट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक नाउ डेटा लो जो उसने बोला कि इन पॉइंट्स uh, के डेटा काफी कम होते हैं uh, कब ब्लास्ट आया था कोविड के पहले ऐसा कब कुछ पता है आपको हंड्रेड ईयर्स पहले आया होगा कुछ क्लियर वॉर कितना होता है सो डेटा इज लो तभी इनके लिए हम स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं क्लियर क्लियर ऑलराइट नाउ चैप्टर 17 चैप्टर सेवनटीन इज योर कॉपिलाज नाम से ही अजीब लगेगा बट कॉपिलाज इज समथिंग वॉट वी डू इन कॉपिलाज इंडिविजुअुअल पी डी एफ होते हैं ना जिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दो अलग अलग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल थ्री कॉमा फाइव नॉर्मल सिक्स कॉमा टेन दो अलग अलग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का रिलेशन सो वी टेक मार्जिनल पी डी एफ एंड वी मेक अ जॉइंट पी डी एफ ऑटो फिट यूजिंग डिफरेंट हम लोग जो अगेन मॉडल्स करेंगे ठीक है इसमें कॉपिलाज में देर आर टू डिफरेंट मेजरली थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉपिला मॉडल्स एट वील बी डूइंग तो उसमें हम लोग अलग अलग मार्जिनल का चेक करते हैं कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा का इफेक्ट होगा बढ़ेगा कम होगा आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड को रिलेशन ओवर हियर आई एम यूजिंग द वर्ड रिलेशन नॉट को रिलेशन ठीक है वाई बिकॉज को रिलेशन इज जनरली लीनियर में हम लोग देखते हैं तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे कॉपलास के चैप्टर में सो वॉट वी डू इज़ बेसिक आइडिया टू इवॉल्व इंडिविजुअल पी डी एफ लेते हैं उस इंडिविजुअल पी डी एफ से हम लोग जॉइंट पी डी एफ बनाते हैं और हम लोग देखते हैं कि वो इंडिविजुअल पी डी एफ में कैसा रिलेशनशिप

मशीन लर्निंग अगेन अ वेरी वास्ट टॉपिक एज अ होल बट यहाँ सी एस टू के सिलेबस में स्मॉल पोर्शन कवरिंग मोस्ट ऐसा नहीं है कि इन्होंने खाली स्मॉल पोर्शन ले लिया इन्होंने मशीन लर्निंग के जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स टॉमिनोलॉजीज कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो सब किया है ट्राई इंक्लूड किया है एंड मशीन लर्निंग में रिसेंटली लाइक ट्वेंटी नाइनटीन का सिलेबस और अभी में चेंजेस हुआ है जहाँ पे 2019 में देवर सर्टन टॉपिक्स विच आर नॉट देयर विच आर एक्चुअली इंक्लूडेड नाउ इन दिस 2020 ट्वेंटी टू के टर्म में दे हैव इंक्लूडेड फ्यू न्यू मॉडल्स रैंडम फॉर ऑन सॉम्बल्स जो आप लोग पढ़ोगे बाद में आई एम नॉट यूजिंग टर्म्स अभी तो वो टर्म्स इन्होंने अभी मॉडल्स अभी इन्होंने इंक्लूड किया है विच एक्चुअली आई वॉज मिसिंग वैन आई वॉज टीचिंग पहले तो आई वॉज एक्चुअली मिसिंग दीज क्योंकि अगर आप लोग ये ही नहीं पढ़ोगे तो वो इनकम्प्लीट है तो वो अभी इन्होंने कवर कर लिया पूरा एंड मशीन लर्निंग समथिंग यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फॉर श्योर हंड्रेड परसेंट इन पेपर ए और इन पेपर बी पक्का पेपर बी में इसका चांस हमेशा बहुत ज्यादा होता है आने का बिकॉज मशीन लर्निंग इज समथिंग दैट वी एक्चुअली डू इन प्रोग्रामिंग राइट इट इज एक्चुअली वॉट वी वी थ्योरी तो है ही बट आर प्रोग्रामिंग में ही मेजरली इसको हम लोग पढ़ते हैं पूरा करते हैं तो डेफिनेटली हंड्रेड परसेंट आप लोग मान के चलो इस टॉपिक से तो आएगा ही क्वेश्चन अगर पेपर ए में नहीं आया तो बी में तो हंड्रेड परसेंट आएगा क्लियर एंड हर बार आया भी है सो मशीन लर्निंग आ वेरी इंटरेस्टिंग अगेन माई फेवरेट टॉपिक ऑफ दिस एंटायर सी एस टू सिलेबस न्यूअर पोर्शन इज देयर इन द मटीरियल विच यू हैव गॉट आप लोग को रिसेंटली ट्वेंटी ट्वेंटी टू का ही मटीरियल वी हैव गि इफ इट्स एन ओल्डर मटीरियल यू विल गेट द न्यू मटीरियल ट्वेंटी ट्वेंटी टू का ही मटीरियल आपको मिलेगा विच इज द लेटेस्ट मटीरियल एंड उसमें सब कुछ है

वन लास्ट थिंग इज वन लास्ट थिंग इज पेपर division जनरली किया हुआ रहता है मैं नहीं कर रही हूँ आप लोग के लिए पेपर डिविजन ऐसा नहीं कि इससे इस टॉपिक से, इस से ये इंपॉर्टेंट है वो नहीं है मैंने जो जो बोला कि मशीन लर्निंग इज इंपोर्टेंट क्योंकि वो हर बार आता है इम्पोर्टेंट सारा चीज है कहीं से भी कुछ भी आ सकता है इन योर सी एस टू आप लोग देख रहे हो कितने सारे चैप्टर्स ट्वेंटी वन ही है ट्वेंटी वन चैप्टर्स ही है बट ऑल आर

ऐसा नहीं है सी एस टू की एक दिन पढ़े हो एक दिन नहीं पढ़े हो इट इज़ नॉट लाइक योर सी बी पेपर्स और अदर पेपर्स यहाँ पर एवरी डे यू विल हैव टू स्टडी अगर आप लोग को कंसिस्टेंट रह के पेपर क्लियर करना है लास्ट मोमेंट स्ट्रगल्स करके कोई लोग पास हो जाते हैं आई माई सेल्फ हैव यू नो गाइडेड फ्यू स्टूडेंट्स बट मैं दिस इज़ नॉट समथिंग एवरी वन केन डू कि वो लास्ट टू मंथ्स में पढ़ के निकाल सकते हैं नहीं कर सकते आप लोग को डे वन से टू थ्री थ्री आवर्स मिनिमम अगर आप दे रहे हो देन नो वन कैन स्टॉप यू टू प्योर सी एस टू सी एस टू इज लेंदी बट सी एस टू अगर आप लोग पढ़ लेते हो पेपर क्लियर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता यू नो वाई पीपल फेल इन सी एस टू बिकॉज वो टॉपिक छोड़ देते हैं अब वही एग्जाम में आ गया तो गया ट्वेंटी मार्क्स फिफ्टी मार्क्स गया उसी में तो फेल हो जाते हैं तो टॉपिक नहीं छोड़ना है अच्छे से सबको कवर करना है तो आराम से सी एस टू ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई पढ़ के फेल हो फेल हो रहा हो रहा हो सी एस टू में ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई पढ़ चुका है उस टॉपिक को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है पर वो फेल हो रहा है ऐसा कभी नहीं हो सकता गेस टू मिनट राइट सो दीस थिंग्स आर देयर एंड देयर एनीथिंग एल्स आई वांट टू कवर एंड आर प्रोग्रामिंग इज समथिंग व्हिच एज आई मेंशनड आप लोग को साथ-साथ में करना है व्हिच आई विल गाइड यू सो प्रॉब्लम इन दैट मेरा स्टडी पैटर्न कैसा होगा हम वो देख लेते हैं एक बार सो आई विल स्टार्ट विथ सी टी सिक्स पोर्शन आई विल स्टार्ट विस पोर्शन ऑल राइट एंड यहाँ पे फर्स्ट आई विल स्टार्ट विथ लॉस डिस्ट्रीब्यूशन देन री इंश्योरेंस रिस्क मॉडल्स टाइम सीरीज एंड देन आफ्टर दिस आई विल कम अपू न्यू चैप्टर्स विच इज़ योर चैप्टर सिक्सटीन एंड चैप्टर सेवेंटीन ई वी टी एंड कॉपिलास ये दोनों नेक्स्ट कराऊंगी ठीक है तो ये हमारा सी टी क्यों अच्छा मैं ऐसे क्यों पढ़ाती हूँ वो भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को सी टी सिक्स ईजियर है मुझे ईजी लगता है एज़ कंपेयर टू अदर टॉपिक्स ईजी इन द सेंस समझना ईजी है क्योंकि आप लोगों ने सी एस पढ़ा है उसी का बिल्डअप है तो आप ईजी टॉपिक्स अगर पहले पढ़ के समझ जाते हो ना तो वो क्या है लॉन्गर टाइम तक आपके दिमाग में रहता है ठीक है तो अगर आप लोग शुरू में सी सिक्स पढ़ लोगे फिर आप लोग सी टी फोर में जाओगे तो आप लोग भूल जाओगे सी टी सिक्स नो डाउट कुछ कुछ भूल जाओगे बट फिर से जब रिवाइज करोगे तो जल्दी आ जाएगा बिकॉज इट्स ईजी और ऑन अ ईजी और साइड एंड फटफट हम लोग खत्म कर सकते हैं इसको ठीक तो है सो मेरा टारगेट है थ्री वीक्स में थ्री टू तो फोर वीक्स में थ्री थ्री एंड हाफ वीक्स में पेपर ए पेपर भी बोथ सी टी सिक्स का पूरा क्योंकि अभी आई हैव इंक्लूडेड चैप्टर सिक्सटीन सेवनटीन सो फो वीक्स में वी विल कंप्लीट द इंटायर सी टी सिक्स प्लस वीज टू ई टी एंड अलोंग विथ पेपर ए एंड बी टूगेदर राइट देन आफ्टर दिस आई मूव टू सर्वाइवल ठीक है सर्वाइवल वाई क्योंकि ये बच्चों का माइंड सेट है कि सर्वाइवल इज अटली इजी ओर एंडस्टोकास्टिक तो हम पहले सर्वाइवल से स्टार्ट करते हैं अगेन कुछ कुछ माइन्यूट टॉपिक्स होते हैं जो थोड़ा रिलेटेड होता है तो ये हम मान लेते हैं हमारा जिस टेन टार्गेट फोर वीक्स ये हमारा थ्री वीक्स एंड वेन आई एम सेलूडिंग ए एन बी बोथ पेपर ए एंड बी बोथ एंड मतलब मेरे साथ साथ आपको काफ़ी पढ़ना पड़ेगा एंड देन स्टोकास्टिक अगेन थ्री वीक्स ठीक है क्योंकि इसमें सम्स बहुत सारे होते हैं एक्चुअली वाई आई एम सजेस्टिंग थ्री वीक्स सम्स काफ़ी सारे होते हैं इसमें दैट इज़ वन थिंग और लेंथी होते हैं सम्स तो आप लोग को टाइम लगता है बनाने में मॉडल खुद से आप सोच सोच के बता रहे हो मैंने टू वीक्स में भी करवाया हुआ है काफ़ी लोगों को काफ़ी लोगों ने टेन डेज में भी किया हुआ है ये बट हम लोग आराम से अच्छे से पढ़ रहे हैं तो थ्री वीक्स में ये बहुत पेपर है एंड

एस टू पढ़ रहे हो तो अनवॉन्टेड सिचुएशन को ध्यान रखना ही पड़ेगा तो ट्वेल्व वीक्स इन टोटल यू विल कंप्लीट योर सिलेबस प्रोवाइडेड यू आर अटेंडिंग ऑल द क्लासेज प्रोवाइडेड यू आर डूइंग वट आई एम सेग ट्स बना रहे हो कर रहे हो ठीक है आराम से ट्वेल्व वीक्स में सिलेबस खत्म एंड देन रिविजन क्यों ट्वेल्व वीक्स क्यों हम लोग इतना ओवर टारगेट करें क्यों हम लोग इतना पढ़ रहे हैं एवरी डे क्योंकि हमें रिवाइज बहुत करना पड़ता है सी एस टू सी एस टू में वही पास हो पाते हैं लोग दो बार पूरा पूरा रिविजन मिनिमम टू टाइम्स आई एम सींग टू टाइम फर्स्ट टाइम रिविजन करोगे कुछ याद आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है सम्स उतना बना पा रहे हो नहीं सेकेंड मेक्स यू स्ट्रॉगर एंड थर्ड रिविजन इज नॉट रिविजन इट इज़ गोइंग थ्रू द सम्स डिफिकल्ट सम्स को प्रैक्टिस करना तो समझो पेपर क्लियर करना है ना एकदम क्लियरली बता रही हूँ क्या क्या करना होगा फर्स्ट टाइम जब मैं पढ़ाऊंगी तो मेरे साथ साथ आपको कंपाइल के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं दैट इज योर फर्स्ट सॉल्विंग जो आप पीछे क्वेश्चन आंसर्स देख के सॉल्व कर रहे हो मैंने क्लास में कराया वैसे सॉल्व करो सेकेंड रिविजन आप लोग वो याद करो माइंड में डाल रहे क्योंकि टाइम सीरीज किया फिर आप पढ़ रहे हो चार हफ्ता करेक्ट तो भूल जाओगे ना कुछ कुछ तो वो दिमाग में आपके डालेगा फर्स्ट रिवीजन दैट इज योर फर्स्ट रिवीजन क्लियर दैट इज योर फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन क्या है दिमाग में बैठ चुका है अब कॉन्फिडेंटली सम्स खुद से सब बन रहे हैं जो नहीं बन रहे वो मार्क होंगे जो कि आप थर्ड रिविजन में सॉल्व करें तो ये आपका हो गया चार बार कंपाइलर सॉल्व करने का तरीका फोर्थ टाइम सब नहीं सोल्व कर सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करे मार्क्ड क्वेश्चन करे बट ये तीन टाइम सारे कर रहे हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करें कुछ कुछ जो थोड़े रेपिटेटिव होंगे वो स्किप कर सकते हो सेकंड रिवीजन में और थर्ड रिवीजन खत्म हुआ आपका आर का भी सेम पैटर्न है आर का भी सेम पैटर्न है एंड यू आर डन फॉर योर मॉक टेस्ट फिर आप दोगे मॉक टेस्ट फिर आप दोगे अपने पास्ट पेपर को सॉल्व करोगे पूरे प्रॉपर मॉक मौ, प्लेटफॉर्म में बैठ के नाउ वी हैव ऑल्सो दिस जो हमारा जो हमने अभी वीकली मॉक टेस्ट किया है विच इज अगेन अ वेरी बेनिफिट फॉर यू ऑल तो आप लोग एवरी वीक के एंड पे आई विल गाइड यू कौन कौन सा मॉक मे बी आप लोग को दो तीन मॉक देना पड़े तो आप एम सी क्यू होगा पूरा तो जस्ट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ठीक है तो आपको वो दो तीन मॉक्स वीक के एंड पे देना एंड यू ऑल कैन एक्चुअली कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स वेर यू आर स्टैंडिंग इन क्लास ठीक है तो ये हो गया ट्वेल्व वीक्स ट्वेल्व वीक्स के बाद का रिविजन रिविजन विल नॉट टेक फाइव वीक्स ये तीनों जो रिविजन मैंने बोला प्लस मॉक्स को लेके फाइव सो so, कितना वीक्स बचा आपके एग्जाम को बताओ फॉर सेप्टेम्बर अटेम्प्ट जुलाई वालों को ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड सॉल्विंग सो एनी वन इज अप्योरिंग इन द जुलाई अटैम्प पारस वाई आर यू सिटिंग विद मास्क

एग्जाम एग्ज़ाम का है नाइन्टीन और क्या एवरी ईयर ये यही रखते हैं क्या नाइनटीन हाँ तो नाइनटीन ट्वेंटी इज योर एग्जाम तो सितंबर को छोड़ दो एक बार के लिए हाँ सितंबर को छोड़ के मे सिक्सटीन हाँ सिक्सटीन वीक्स हुए ट्वेल्व वीक्स में आपका सिलेबस हुआ फोर वीक्स में आपके रिविजन हुए ठीक है और फिर ये वाला जो आपका थ्री वीक्स है चिल नहीं मॉक्स वो थ्री वीक्स आपका खाली मॉक्स एंड पास पेपर तो सिक्स प्लस सिक्स मॉक्स हो गए एंड आपके पास पेपर्स आप एज अ मॉक दोगे रिसेंट टर्म्स के पास दो तीन पेपर आई वालों को आई का पास पेपर सॉल्व करना है आई को खाली आई एफ ओ करना है ठीक है दोज आर अपरिंग फ्रॉम जुलाई डोंट वरी आप लोग के लिए मैं अलग शेड्यूल पूरा प्लान करके दे दूंगी क्लियोर सो डोंट वरी आई विल डू इट टूडे ओनली आई विल गिव यू द शेड्यूल इन द ग्रुप राइट सो आई विल जस्ट आस्क यू ऑल इन द ग्रुप कि आप लोगों ने कितना कर लिया एंड अकॉर्डिंगली आई विल प्लान अ शेड्यूल फ़ॉर ऑल ऑफ़ यू दिस इज़ वॉट आई डू फॉर ऑल माई सी एस टू स्टूडेंट अगर किसी को वर्किंग है किसी को कुछ बीच में शादी है ठीक है शादी में आप लोग को टू थ्री वीक्स चाहिए होते हैं बहुत लोग बहुत मतलब अलग ही लेवल होता है हाँ और आप लोग कुछ वैसा ही है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी अलग से मैसेज कर दो मैं आप लोग का अलग से शेड्यूल बनाऊँ आप लोग का और रिगुरस शेड्यूल बनेगा ट्रस्ट मी मैंने कुछ कुछ लोगों का टू मंथ्स में वन एंड हाफ मंथ्स में भी क्लियर करवाया ठीक है तो वैसा नहीं है बट ये नहीं कि आप लोग का भी क्लियर हो जाएगा उन लोग को दिन रात पढ़ना पड़ा था तब जाके उनका क्लियर हुआ था वो भी जस्ट है ना जस्ट पास हो जाते हैं वैसा तो वो चीज़ नहीं होना है हम लोग को अच्छे से पढ़ना है एंड एकदम रिलैक्स सी एस टू आप लोग जिन मेरे से जिसने पढ़ा है ना उससे खाली पूछना कि सी एस टू क्या कैसा था किसी और से मत पूछ लेना क्योंकि डरा देंगे फिर तो आप लोग मेरे पास आओगे कि ट्वेल्थ वीक्स में कैसे खत्म होगा डर डर जाओगे वो मत करना प्लीज़ तो जिसने किया है क्लियर खाली उसके पास जाके बट यू विल हैव टू फॉलो मी एंड आज टुडे वी हैव ट्वेंटी सेवन स्टूडेंट्स यहाँ पे और यहाँ पे वी हैव वन टू थ्री सिक्स तो ट्वेंटी सेवन प्लस सिक्स स्टूडेंट्स थर्टी थ्री स्टूडेंट्स हैं अब देखो बस कैसे डिक्रीज होता है ट्रेंड ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे जाएगा ठीक है क्यों क्यों आप लोग निकलते जाओगे लाइफ क्लास से क्योंकि आप लोग मैं शेड्यूल फॉलो नहीं हो और मैं तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगी मैं नहीं वेट करने वाली हूँ वन सिंगल डे मैम मैंने नहीं किया आई विल नॉट वेट वन सिंगल डे फॉर एनी वन ठीक है सो आई एल बी वेरी स्ट्रिक्ट विथ ऑल ऐसा नहीं है हंसोगे खाली कमी पढ़ोगे क्योंकि हमें पढ़ना पड़ेगा एंड इट विल भी पूरा नॉन स्टॉप क्लास होगा रिगरस टू आवर्स का मिनिमम पेपर एक का उसके पहले एक मिनट का सांस नहीं मिले नहीं होगा मैं भी नहीं उठ के जाऊँगी ना आप लोग को जाने दूंगी तभी हम लोग कर पाएंगे राइट right? आराम से एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रस्ट मी मैन एस सी दिस सी एस टू इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पीपल राइट एनी थिंग एनी वन वॉन्ट्स टू वास आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू बेसिक यू नो ओवर व्यू ऑफ वॉट वी विल डू काफ़ी लोगों का मूड डर गया है काफ़ी लोग बहुत सैड हैं डर गए हैं डे वन से अगर डर जाओगे तो कैसे पढ़ोगे नहीं डरना है मैं डरने दूंगी ही नहीं ट्रस्ट मी आई हैव फेथ कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ आप पर डे हो ना मेरा शेड्यूल बस फॉलो करो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है क्लियर करने से आई हैव दिस मच ऑफ फेथ हंड्रेड परसेंट फेथ एंड दिस आई हैव डन तो ऐसे डरो मत इफ़ आई हैव फेथ आप लोग क्या करना है आप लोग खाली मेरे शेड्यूल को फॉलो करना है अगर किसी को दूसरा बनवाना है शेड्यूल मेरे को पिंक कर देना आई विल गाइड यू कोई दिक्कत नहीं है दिस शुड बी वॉट यू यू शुड फॉलो अगर आप लोग सब एवरी डे थ्री आवर्स फोर आवर्स देते हो वीकेंड में थोड़ा ज़्यादा दे दो यार ट इज वाई ठीक है एंड थोड़ा तो देखो आपको एडजस्ट करना होगा किसी का मॉर्निंग है कॉलेज किसी का इवनिंग है तो एक दो दिन आपको देखो एडजस्ट करना पड़ेगा बाकी थोड़ा बहुत मैं इधर उधर कर सकती हूँ पहले आप लोग एक दो वीक करो क्लास ठीक है फिर मैं देखती हूँ कि कौन कितने कंसिस्टेंट हैं क्लास में आज फर्स्ट डे है एंड मैंने भी अभी तक हिस्टोरिकल डेटा ऐसे ही एनालाइज़ किया है डिक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का तो आप लोग जिन लोग रेगुलर हो आई विल सब आई विल चेंज माई शेड्यूल अकॉर्डिंग टू योर डोंट वरी राइट डोंट वरी एनी थिंग डरो मत त्यार बहुत सिंपल होगा जस्ट डेट हार्डवर्क करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा क्योंकि ये सी एम वन सी एम सी एस वन भी डिफिकल्ट है आई एम नॉट सेइंग दैट सिलेबस उसका थोड़ा छोटा है एज कंपेयर टू सी एस टू चैप्टर्स तो उतने ही है चैप्टर के अंदर बहुत कुछ है वो चीज़ है ये कुशल uh, मैं मोस्टली आई विल डू इट ऑनलाइन हो गया तुमको तो फिर uh, हम लोग ये करें ठीक है एंड एनीथिंग एल्स यू ऑल वॉन्ट टू आस्क राइट सो फ्रॉम टुमोरो बैक टू बेसिक एवरी डे यू हैव अ क्लास एक्सेप्ट सैटरडे एक दिन शायद नहीं सर ने सर ने शेड्यूल बनाया था ठीक है सर ने ट्यूजडे थर्सडे को नहीं डाला था मेरा क्लास मैंने बोला ये क्या खत्म ही नहीं होगा एवरी डे चाहिए एंड सैटरडे भी हो सकता है एव माइट कीप अ क्लास ठीक है तो एवरी डे एवरी डे मैंने एवरी डे करना पड़ेगा नहीं तो नहीं होगा सर एंड तो एवरी डे यू विल हैव क्लास वो तो है एंड जो भी मैं कराऊँगी आपको घर जाके कर पढ़ा एंड अच्छे से करना है एनी थिंग यू और वॉन्ट टू आस्क नहीं आई एल स्टार्टिड टू मोर तो आराम से सोच के आना जो भी लाइव फिजिकल आओगे और लाइव में भी आप लोग को कैमरा कल से ऑन करना है एवरी वन दो कैमरा इज ऑफ आचल सम्यक हमता अनुषा निधि हर्षिता जिनका भी कैमरा ऑफ है वॉट इज़ दिस वीक आई एल गिव यू नॉट टुडे आज थोड़ा बहुत ज़्यादा आप लोग ने सुन लिया एक्चुअली तो थोड़ा रिलैक्स हो जाओ सबके चेहरे उतर गए एक्चुअली लाइफ लाइ यहाँ पर तो दो तीन लोग ऐसे मतलब लग रहे रो देंगे अभी तो रिलैक्स करो कल से मेरा शेड्यूल मैं आप लोगों को बताऊँगी ठीक है मटीरियल चेक कर लेना ट्वेंटी ट्वेंटी टू वाला होगा आपके पास ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है बहुत कम कम चेंज हुआ है कुछ कुछ पोर्शन में वैसा कुछ वैसा नहीं है राइट एनीथिंग एल्स यस दशा Uh, तुम एक काम करो ना तुम वही फॉलो करो तुम वही चीज़ फॉलो करो खाली जो जो चेंजेस होंगे ना जब जब वो मैं अलग से बता दूंगी तो उसका पीडीएफ से रेफर कर लें ज़्यादा नहीं है चेंज सेम है कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा चेंज है ठीक है तो अगर आपके पास 2019 2020 का मटेरियल है तो वही यूज़ करो उसी से पढ़ो जो चेंज होगा वो मैं स्पेसिफिकली एक्सप्लेसिटली बताऊँगी क्लास में ठीक है तो उसको करेक्ट कंपाइलर का भी आपको नया का जरूरत नहीं है उसमें चेंज है पास क्वेश्चन थोड़ी चेंज होती yes, थी हाँ उससे हुआ है ट्वेंटी ट्वेंटी मतलब अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी टू इसमें कोई चेंज नहीं है ये मटीरियल होना चाहिए आपके पास अगर आपके पास ये मटीरियल नहीं है पुराना है तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं वो मैं बता दूंगी हाँ हमजा ये फॉलो करना है तुम सेम मेरे को ये मत बोलो कि तुम सेमेस्टर के लिए पूरा पूरा दिन पढ़ता है सेमेस्ट कॉलेज रिलेटेड कोई नहीं बोल है एक्सेप्शन आर ऑफिस घर में कुछ हुआ ठीक है कुछ भी मेजर वैसा खुद के मेजर हेल्थ रिलेटेड कुछ भी वैसा मेजर एक्सट्रीम वैल्यू एक्सट्रीम इवेंट्स कॉलेज एग्जाम्स आर नॉट एक्सट्रीम इवेंट हमजा कॉलेज कॉलेज में तुम फर्स्ट आ जाओ फिर वो एक्सट्रीम होगा एनीथिंग एल्स एनी वन मटेरियल मटीरियल आ जाएगा अमन थोड़े अगर आपने अभी एक दो दिन पहले रजिस्टर किया मटीरियल आ जाएगा डो ऑल राइट एनी थिंग एल्स सो मेक श्योर आप लोग प्लीज़ लाइव क्लास अटेंड करो वो छोड़ना मत बीच में काफ़ी लोग छोड़ देते हैं क्यों थोड़े पीछे हो जाते हैं फिर वही ये ट्वेल्व वीक्स वाला टारगेट नहीं मीट करेंगे थर्टीन फोटीन वीक्स में ख़त्म कर रहे हैं रिविज़न कम हो जाएगा तो वो थ्री रिविज़न तो चाहिए थ्री रिविज़न हार्डकोर हमें चाहिए फाइव नहीं तो फोर वीक्स टू वीक्स मॉक्स दे देंगे तो वो वो चेंज हो सकता है बट थ्री रिविज़न तो पक्का फॉर श्योर चाहिए बिफोर स्टार्टिंग मॉक हाँ बोलो आ रहे हो अलग से हाँ अलग से रखेंगे जुलाई का अलग वो तो टेंशन मतलब जुलाई तो का अलग से डाउट्स क्लास होगा दैट इज के सैटरडेज ऑफ तो या तो आप लोग का सैटरडेज को आई विल कीप अकॉर्डिंग टू योर योर टाइमिंग ठीक है तो वो आप लोग को टेंशन नहीं आई विल कीप ऑलराइट राइट एनीथिंग एल्स वॉन्ट टू आस्क से एकदम अच्छे से खा पी के आना क्लास में ज़्यादा मत खाना नींद आएगा तो खा पी के आना कॉपी पेन पेंसिल टेबल बुक चाहिएगा हमें ठीक है आप नहीं लेके आओगे चलेगा इनिशियल क्लासेस में टेबल बुक ले आना कैलकुलेटर एंड योर कॉपी दैट्स इट मटीरियल दैट वील डिस्कस में कल नहीं हो आई कैन नॉट आई कैनॉट कीप इवनिंग क्लासेज ऑन मंडे सम्सडे आई कैन कीप राइट सो एक्चुअली कभी कभी आप लोग को एक दो क्लास अगर मिस हो रहा है सेम डेट विल बी अपलोडेड आप लोग देख तब किसी ना किसी का किसी ना किसी डे पे होगा ही मिस ऑप्शन नहीं है कॉलेज का राइट ओके सो थैंक यू सो मच नेक्स्ट डे टमरो विल बी स्टार्टिंग विद लॉस डिस्ट्रिक्ट आप लोग को मटीरियल कैरी नहीं करना आई विल टेल यून यू हैव टू कैरी द मटीरियल राइट थैंक यू सो मच टेबल बुक फॉर श्योर टेबल बुक क्योंकि टेबल बुक फिर यूज़ करने का हैबिट नहीं रहेगा एग्ज़ाम में टेबल बुक कॉपी कैलकुलेटर राइट ओके थैंक यू थैंक यू बाय बाय बाय